स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल कॉनिक। होते क्या हैं सेंट्रल, सेंटर ऑफ अ कॉनिक का मीनिंग क्या है? सबसे पहले ये देख लेते हैं, व्हाट इज़ सेंटर ऑफ अ कॉनिक। देखो, सिंपल सी बात है, कॉनिक कई से दो तीन तरीके के पड़े हैं, एक डीजनरेटेड, एक नॉन डीजनरेटेड। स्पेशली जो है डीजनरेटेड या फिर नॉन डीजनरेटेड कॉनिक्स ही हमें पढ़ने होते हैं। तो नॉन डीजनरेटेड कॉनिक्स में पहले ही बताया था वीडियोस में, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला आता है, जबकि जो डीजनरेटेड कॉनिक्स होते हैं दैट इज़ वो पेयर ऑफ लाइंस होती हैं जो कि इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग, यानी कि पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। तो बेसिकली अगर बात करें कॉनिक की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एलिप्स का केस लेते हैं, तो बेसिकली सेंटर ऑफ अ कॉनिक का मीनिंग क्या होता है? देखो, सेंटर ऑफ अ कॉनिक का मतलब ये है कि जैसे आप अगर कोई भी कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, जनरल डेफिनेशन ये है कि एनी कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर, यानी कि ओरिजिन जो होगा इज़ बाइसेक्टेड बाय द ओरिजिन। दिस इज़ द सिंपल बेसिक डेफिनेशन कि अगर जैसे सपोज एलिप्स की अगर बात करें, तो ये जो ए बी है, दिस इज़ द कॉर्ड ऑफ दिस एलिप्स, ठीक है ना। कॉर्ड क्या होती है, सबको ही पता है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि किसी भी कर्व को या किसी भी ग्राफ को दो पॉइंट्स पे टच करती है। जैसे ये एलिप्स है तो इसको दो पॉइंट्स पे टच कर रही है ए बी, ठीक है। सो दिस इज़ कॉर्ड ऑफ दिस एलिप्स, और ये पास होकर जा रही है सेंटर यानी कि ओरिजिन से। तो मेन चीज़ ये है कि ओरिजिन जो होगा इस पूरे एलिप्स का सेंटर तभी ही होगा अगर ये जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है, यानी कि अगर ये पूरी इस ए बी लाइन सेगमेंट को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, देन इट वुड बी द सेंटर ऑफ दिस एलिप्स, ठीक है। कॉर्ड कैसे भी हो सकती है, जैसे ये पूरी भी यहाँ से लेके अगर यहाँ तक देखें, ठीक है, तो ये पूरी भी एक कॉर्ड है क्योंकि ये हाफ हाफ में डिवाइड हो रही है, या फिर इस पूरे को देखेंगे ये दोनों पॉइंट्स अगर कंसिडर करते हैं तो ये भी कॉर्ड है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो बींग डिवाइडेड इन टू टू इक्वल पार्ट्स। तो बेसिकली समझ आ चुका है कि सेंटर होता क्या है। बेसिकली सेंटर उसी को कहते हैं, जैसे ओ है तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ दिस कॉनिक, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये जो कॉर्ड थी ए बी या फिर जितनी भी कॉर्ड्स हम बना रहे हैं उन सबको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बट कंडीशन इज दैट कि जो कॉर्ड है वो सेंटर से पास होकर, यानी कि इससे पास होकर ही जानी चाहिए, उसी केस में ऐसा हो पाएगा। अब कुछ जनरल प्रिडिक्शंस, जैसे कि हम देख सकते हैं कि पैराबोला जो है उसका सेंटर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है यहाँ पर अगर कॉर्ड बनाते भी हैं तो इस तरीके से बनेगी जो कि सेंटर से ही पास होकर नहीं जा पा रही है, और या फिर ओरिजिन से ही नहीं पास हो पा रही है, तो सेंट्रल होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो सेंटर और नॉन सेंट्रल कॉनिक्स होते क्या हैं, ऐसे कॉनिक्स जिनका सेंटर एग्जिस्ट करता है उनको बोलते हैं सेंट्रल कॉनिक्स, एंड नॉन सेंट्रल कॉनिक्स वो होते हैं जिनका सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये हम जनरल बात कर रहे हैं अभी, जैसे कि पैराबोला का सेंटर नहीं होगा ऐसा हम सोच सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द लॉजिकल अप्रोच, मतलब कि हमने कोई ऐसा यहाँ पे प्रूफ वगैरह नहीं करा है, ये हम अभी जनरल बात कर रहे हैं, अभी आगे देखेंगे इसका प्रूफ। दूसरी बात, अगर हाइपरबोला की बात करें तो उसका हाँ सेंटर हो सकता है, बिकॉज अगर देखो हाइपरबोला में इस तरीके से मैं कॉर्ड बनाता हूँ तो वो जो है सेंटर से पास होकर जा रही है, और दूसरा ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड, ठीक है, या फिर और भी अगर कॉर्ड्स देखें, जैसे यहाँ से लेके ये भी एक कॉर्ड है तो ये भी इससे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, यहाँ पर भी ओ जो है वो सेंटर है इस कॉर्ड का, ठीक है, तो हाइपरबोला का सेंटर हो सकता है। अब एक रिमार्क है, देखने वाली चीज़, रिमार्क ये है कि अ सेंटर कॉनिक हैज़ अ या फिर अ सेंट्रल कॉनिक हैज़ अ यूनिक सेंटर, ठीक है। कोई भी अगर सेंट्रल कॉनिक है तो उसका एक ही सेंटर एग्जिस्ट कर सकता है, दो सेंटर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे दो पॉइंट्स नहीं हो सकते जो किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है किसी भी लाइन का। सो ऑब्वियसली देयर इज़ ओनली अ यूनिक सेंटर ऑफ एनी कॉनिक, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ी सी मैथमेटिकल अप्रोच, अभी हमने जो बातें करी थी वो सारी थियोरटिकल थी, अब थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं प्रूफ के साथ कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो सपोज आपको कोई भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक गिवन होगी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी जिसके बारे में बात करी थी, और उसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो इस तरीके की होती है। तो अब हमें नहीं पता है ये कौन सा कॉनिक है, ठीक है, ये हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स कुछ भी हो सकता है या फिर लाइंस भी हो सकती हैं। तो अब ये जो कॉनिक गिवन है ये सेंट्रल होगा या नहीं होगा, यानी कि इसका सेंटर एग्जिस्ट करता होगा या नहीं करता होगा, वो देखते हैं वो क्या चीज़ है। तो ऐसा एक थ्योरम है कि अगर कोई इस तरीके से आपको कॉनिक गिवन है तो ये वाली जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही सेंटर होता है, दिस इज़ द थ्योरम। इसके कोई इसका कोई प्रूफ नहीं है, और प्रूफ होता भी तब भी हम नहीं करते बिकॉज दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ गेम, ठीक है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली ये दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है जहाँ पर ए एच जी, ठीक है, एंड एच बी एफ, ये सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल जाएंगी इस वाली जो गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कॉनिक है। तो ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं अगर ये लीनियर हैं तो इट मींस व्हाट, इनका जो ग्राफ बनेगा वो भी स्ट्रेट लाइंस ही होंगी, तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वही सेंटर ऑफ कॉनिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी भी या नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे अगर वन और टू इंटरसेक्ट करेंगी
तभी वही पॉइंट तो सेंटर है, और अगर इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं तो उस केस में क्या है, उस केस में सेंटर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और अगर सेंटर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इट वुड बी वॉट, इट वुड बी नॉन सेंट्रल कॉनिक, ठीक है ना, नॉन सेंट्रल कॉनिक। और सेंट्रल कब होगा कि अगर ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं उसका भी हम पहले से एक आइडिया ले सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, इन दोनों लाइन्स का स्लोप निकाल लिया। स्लोप निकालने का मेथड पता ही है, जैसे ये दो लाइंस गिवन थी तो इनको पहले y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, उस फॉर्म में लिख लिया। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन को लिखा स्लोप ऑफ वन, अगर निकाले तो y इज इक्वल्स टू दिस, तो ऑब्वियसली दिस माइनस a अपॉन h, ये स्लोप हो गया इस लाइन का, ठीक है। दिस इज स्लोप एम वन ऑफ दिस लाइन वन। अगर स्लोप टू, ये जो दूसरी सेकेंड वाली लाइन थी, इसका स्लोप अगर निकालते हैं तो उसको भी हमने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लिखा, और यहाँ पर ये माइनस एच अपॉन बी, दिस इज द स्लोप एम टू ऑफ दिस लाइन टू, ठीक है। तो हमें कंडीशन पता ही है, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर एम वन और एम टू यानी कि किसी भी दो लाइंस के स्लोप इक्वल हो जाते हैं तो इट मींस व्हाट, कि वो जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी, और अगर पैरेलल होंगी तो ऑब्वियसली इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है ना। तो यानी कि पहले ही हम स्लोप्स कंपेयर करके देख सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो देखो लाइन इंटरसेक्ट कब नहीं करेगी, बेसिकली अगर स्लोप्स इक्वल होंगे तब नहीं करेगी। तो इन दोनों के स्लोप्स को पहले इक्वल रख दिया था, यानी कि माइनस ए अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस एच अपॉन बी, और सॉल्व करके वी गॉट दिस कंडीशन, ठीक है। यही कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एच स्क्वायर जो है वो ए बी के इक्वल आ गया, इट मीन्स उस केस में लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सेंटर भी नहीं होगा। तो इट मीन्स वो जो इक्वेशन थी, यानी कि जो गिवन सेकेंड डिग्री इक्वेशन ये वाली थी, वो किसी नॉन सेंट्रल कॉनिक की होगी, यानी कि उस कॉनिक का सेंटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है, सपोज अगर ये इक्वल नहीं आए तो इट मींस व्हाट, क्लियर है कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो वही हमारा सेंटर होगा उस पर्टिकुलर कॉनिक का, ठीक है। तो ये हो गया, आगे देखते हैं। तो सिंपल सी बात अगर हम इसको समराइज करके लिखें एक टेबुलर फॉर्म में, दैट इज व्हाट, कि अगर कोई कॉनिक सेंट्रल है तो उस केस में ए बी जो है वो एच स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। बेसिकली ए बी और एच स्क्वायर ही कुछ नहीं है, स्लोप्स ही हैं, ठीक है, स्लोप से ही आई है। अभी हमने पीछे देखा कि हाउ वी गॉट दिस कंडीशन। और नॉन सेंट्रल कॉनिक क्या है, नॉन सेंट्रल कॉनिक तब होगा अगर ए बी और एच स्क्वायर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमने एक, याद होगा अभी प्रीवियस वीडियो में ही हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने चेक किया था कि ये जो गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो कौन से कॉनिक की है, और एट द एंड प्रूव होके हमें पता चल रहा था कि ये वाली इक्वेशन जो है वो पैराबोला की है। और अभी हमने इनिशियली इस वाले लेक्चर में स्टार्ट देखा था कि पैराबोला डजंट हैव अ सेंटर, पैराबोला का सेंटर नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा था इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अब चीज़ को देखते हैं। जैसे कि हमें ये पता है, लास्ट वीडियो में ही ये प्रूव हुआ था कि ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो अगर यहाँ पे देखो ए और बी देखें, जो कि कोफिशियंट्स होते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, और एच जो है वो माइनस थ्री है, एक्स वाई वाली टर्म का कोफिशियंट का हाफ होता है, और यहाँ पर ए बी जो निकाला नाइन आया, और एच स्क्वायर जो माइनस थ्री का स्क्वायर किया दैट इज़ ऑल्सो नाइन। तो इट मीन्स ए बी और एच स्क्वायर दोनों इक्वल आ गए, और अगर इक्वल आ गए इसका मतलब क्या है कि वो कॉनिक सेंट्रल है, ठीक है। वेट, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पर कंडीशन गलत लिख दी, उल्टी लिख दी। बेसिकली कंडीशन सेंट्रल तब होता है जब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, और नॉन सेंट्रल तब होता है, बेसिकली सेंट्रल तब एग्जिस्ट नहीं करेगा सेंटर जब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे तब सेंटर एग्जिस्ट करेगा, और अगर तब सेंटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर इक्वल नहीं है तो सेंटर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सॉरी, ये थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर ये गलत बन गया था टेबल। तो उस अकॉर्डिंग हमें पता था ये पैराबोला की इक्वेशन है, और लास्ट में ये दोनों इक्वल आ गए, इट मींस पैराबोला इज नॉन सेंट्रल, ठीक है, उस केस में पैराबोला का सेंटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए पैराबोला इज नॉन सेंट्रल, यानी कि एक बेसिकली उसका प्रूफ हो गया जो हमने इनिशियली पढ़ा था, ठीक है। अब ले लेते हैं इस पर बेस्ड इक्वेशन, जो आज कंसेप्ट देखा है इसी पे बेस्ड इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉनिक इफ इट इज़ नॉन सेंट्रल, और इफ इट इज़ सेंट्रल फाइंड इट सेंटर, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है, और बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में यही तो देखा था कि अगर कोई जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है और वो क्या होता है। तो इसमें देखो कुछ नहीं है, सिंपल वही वाला फॉर्मेट फॉलो करना है कि ए और बी जो है वो वन है इसमें, जो कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होते हैं। तो ए बी की वैल्यू वन आ गई बेसिकली, और एच जो है वो इसका हाफ होता है, तो माइनस थ्री बाई टू का हाफ विच इज़ नाइन बाई फोर, ठीक है। तो ए बी माइनस एच स्क्वायर निकाल के देखते थे, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर जो सॉल्व करा वो नेगेटिव आ गया, ठीक है।
तो अगर ये नेगेटिव आ जाए तो उस केस में दो केसेस पॉसिबल हैं, या तो वो हाइपरबोला हो सकता है या फिर वो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं। तो चेक करना बेसिकली ये हाइपरबोला है या फिर पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए फिर वही डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करते थे। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए इट मीन्स वो लाइंस हैं, ठीक है। और अगर इक्वल टू जीरो नहीं आता है तो इट मीन्स वो कोई भी नॉन डिजनरेटेड कॉनिक होगा, जैसे कि इस केस में वो हाइपरबोला होगा। तो ये चीज़ तो श्योर हो गई कि ये जो गिवन इक्वेशन थी ये किसी हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है। और हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि हाइपरबोला जो होता है वो सेंट्रल कॉनिक होता है, यानी कि उसका सेंटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो और वैसे भी देख सकते हैं इसमें एच स्क्वायर जो है वो ये आया है 9/4 और ए बी जो है वो 1 आया है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें इक्वल नहीं हैं, ठीक है। एच स्क्वायर और ए बी इक्वल नहीं है, तो ऐसा कब होता है? सिर्फ सेंट्रल कॉनिक के केस में ही होता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर हाइपरबोला तो समझ आ ही चुका है। उसके बाद अब मेन बात है कि सेंटर भी निकालना है। आगे इक्वेशन में ये भी था कि सेंटर भी फाइंड आउट करो। तो हमने देखा था कि सबसे पहले दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ये क्या होती हैं बेसिकली, ये लर्निंग पार्ट है, आपको ये फॉर्मेट याद ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पर ए एच जी और एच बी एफ इन सब की वैल्यूज़ हमें जो पीछे मेन इक्वेशन गिवन थी वहाँ से मिल ही चुकी थी। तो ये दो इक्वेशंस मैंने फॉर्म कर ली हैं यहाँ पर, और इनको यहाँ पर सिंपली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके वी हैव गॉट दीज टू वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स जो है आया है दैट इज़ -2 एंड वाई इज़ 2। सो बेसिकली जो सेंटर होगा हमारे इस कॉनिक का दैट इज़ -2 एंड 2, ठीक है। सो फाइनल स्टूडेंट्स आई होप समझ आया होगा आपको, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.